Ты меня упали. ओठों पे हंसी और दिल के सारे जख्म छुपाता हूँ, बिकता रहा हूँ। नमस्कार, मैं मानव सोहन, मैं राज कपूर साहब को ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। मेरी फिल्म मैं राज कपूर हो गया से। सो बेसिकली ये जो मेरी फिल्म है ये राज कपूर साहब की लाइफ पे नहीं है, ये उनके एक फ़ैन की कहानी है। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट ए न्यूज़ फैन ऑफ मिस्टर राज कपूर, जिसको मैंने बहुत दिल से बनाया है। स्लम्स का एक बंदा है जो बेसिकली आई एम प्लेइंग दैट रोल। मैं राज कपूर का फ़ैन हूँ उसमें, और मेरी जो कहानी है वो बेसिकली राज कपूर साहब को ट्रिब्यूट की है मैंने, इसलिए क्योंकि उनकी जो फिल्में हैं उनकी फिल्मों की छवि है मेरे पर। जैसे आपने उनकी पुरानी फिल्में जब भी देखी होंगी तो उसमें उनकी छवि है। दूसरा, मैं बचपन से ही राज कपूर साहब का फ़ैन था, और जैसा राज कपूर साहब का गाना है कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना इसी का नाम है। तो वो जो आंसू है मेरे इस फिल्म में भी बहते हैं, उसमें आपको राज कपूर साहब की छवि दिखेगी, उनकी फिल्मों की झलक दिखेगी। और इसके गाने रिलीज हो चुके हैं, गली का एक आवारा गाना रिलीज हो चुका है। आज इतना रहो गाना हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उनका, जो हमने आवारा ही से इंस्पायर होकर बनाया है। आप हमारा गाना देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इफ़ यू वांट टू एनीथिंग आस्क मी, प्लीज़ टेल मी। सर, आप यहाँ पे क्या लॉन्च करने के लिए आए हैं? सर, ये एक तारा हूँ, एक तारा हूँ गाना है जो हमारी फिल्म का है, वी आर लॉन्चिंग। फिल्म कब रिलीज़ हो रही है? सर, ये फिल्म 17 फरवरी को रिलीज़ हो रही है ऑल इंडिया में। और इसके अलावा मेरी फिल्म में मैं राज कपूर को पोर्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उनके फ़ैन का किरदार कर रहा हूँ। लेकिन मैं जिसे भी देखता हूँ, बस उसे देखता हूँ तो मैं उसे अपनी नरगिस दिखती है मुझे। तो इस फिल्म में मेरे साथ श्यामली गोस्वामी जी हैं, श्यामली जी आली, जो इन्होंने श्यामली गोस्वामी, मैंने काफ़ी सीरियल्स में भी काम किया है, जैसे बालिका मधु है इनका, महाराणा प्रताप है, शक्तिमान है, आर्यमान है। आई हैव डन सो मैनी सीरियल्स ऑल्सो, मेरी फिल्में भी आ चुकी हैं। और श्रावणी जी से आप बात कर सकते हैं? जी, मैं ही श्रावणी गोस्वामी। मैंने भी खूब सारे सीरियल्स किए, और ये फिल्म में मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है। वैसे कई मूवीज़ में भी कर चुकी हूँ, और इस फिल्म में मुझे बहुत अच्छा एक मौका मिला है। और मेरा जो किरदार है, लक्ष्मी का रोल प्ले कर रही हूँ मैं, और ये राज कपूर का बहुत बड़ा फ़ैन होता है जो राज, और इनकी नज़र में मैं नरगिस बनती हूँ। वैसे हमारे यहाँ पे दो लीड और हैं जो प्ले कर रही है, और सब अपने अपने किरदार में सभी लोग माहिर हैं और सारे अच्छे एक्टर्स हैं। और जो मेरे सीरियल्स मैं कर चुकी हूँ, सीरियल का नाम है ये रिश्ता कहलाता है, डायरेक्टर्स कट की है, बालाजी के कुगले भाग की अभी कर रही थी, और अभी कर रही हूँ मैं नथ जो दंगल में आ रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ फिल्म रिलीज़ हो रही है 17 तारीख को, 17 फेब को। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कर रही हूँ कि ये फिल्म को ज़रूर देखें, और हमारी ये फिल्म बहुत अच्छी है। क्या रोल मिलेगा इस मूवी में आपका? क्या खास रोल होगा आपका इस मूवी में? इस मूवी में मेरा बहुत अच्छा रोल है, बहुत ही चैलेंजिंग है। लक्ष्मी का किरदार है, और ये लक्ष्मी कौन है पब्लिक देखेगी तो पता चल जाएगा, पर इनकी नज़र में, राज की नज़र में ये भी नरगिस ही है। जो राज का जो रोल है वो एक राज कपूर का फैन है, डाई हार्ट फैन। और आप देखिए, राज कपूर के याद में इस फिल्म को बनाया जा रहा है। बहुत सालों के बाद मुझे ऐसा लगा उनको याद करके, वो एक लेजेंड है, तो उनको याद करके हम आज स्पेशली आर के स्टूडियो के सामने आके इस इवेंट को कर रहे हैं। ये हमारे साथ एक्टर है, एक अच्छा रोल किया है। सर, आपकी रोल क्या रहा है? अभी मैं एक इसके अंदर एक डॉक्टर का किरदार कर रहा हूँ, और मैं श्रावणी जी काफ़ी सीनियर्स हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं सर के साथ, मैडम के साथ। मैं ये कहूँगा ये डेडिकेटेड फिल्म राज कपूर साहब को है, सो आप इसको प्यार से देखें, बहुत अच्छी तरह देखें, बहुत सराहें।
ये रिक्वेस्ट करूँगा मैं आप लोगों से, जब तक मेरा सवाल है मैंने आज तक बहुत कुछ किया है, तकरीबन 400 एड फिल्म की हैं, अभी फिलहाल एक डेली शो कर रहा हूँ जिसका नाम है फालतू ऑन स्टार प्लस ऑन स्टार एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म इन इंडिया प्लीज़। और सर मेरी जो फिल्म है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने बड़ी बड़ी फिल्मों को कवर किया होगा, बड़ी बड़ी फिल्में करोड़ रुपए के बजट में बनती हैं, बट ये फिल्म मैंने जो बनाई है ये बहुत मैंने अपने दिल से बनाई है, मैंने दिमाग से नहीं बनाई। मैं जब इस किरदार को लिख रहा था तब भी मैंने इस किरदार को जाके चौल में रह के मैंने महसूस किया कि ये किरदार कैसा होना चाहिए। दूसरा, मेरी फिल्म पूरी रियल इवेंट्स पे है, मेरी फिल्म कोई भी फेक नहीं है, इसमें जितने भी फिल्म में सीक्वेंस हैं सब रियल हैं, यानी कि जो चीज़ें दुनिया में लोगों के साथ घटी हैं, जो रिलेशनशिप है, जैसे कि आज की डेट में लोगों के बीच में रिलेशनशिप नहीं रही है, आज लोग कमर्शियली ज़्यादा हो गए, बट कोरोना ने हमें सिखाया है कि आपस का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। तो कपूर साहब की फिल्मों की ये फिलोसफी होती थी कि वो इंसान को इंसान समझते थे, मतलब के लिए किसी के साथ नहीं जुड़ते थे, एक रिश्ता दिल से बनाते थे। ये जो मेरी फिल्म है ये उन्हीं रिश्तों में है, मैंने दिल से रिश्ता बनाया है इस फिल्म के अंदर, जो भी मैंने दिखाने की कोशिश की है, तो आप लोगों को ये सोचने पर मजबूर करेगी कि इंसान पहले है, इंसानियत पहले है, पैसा बहन ग्रामर ये सब बात की बातें हैं, जब वक्त आता है तो इंसान को अपने रिश्ते ही काम आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। एक मिनट सर, हाँ